हेलो दोस्तों, ये देख रहे हैं एक छत वायरिंग करना है जो 4 बेडरूम है और एक गैलरी है और जो सामने से बरामदा है और बीच में गैलरी है जो पैसेज है। तो अभी छर बंधाने का काम हो रहा है, कुछ काम बाकी है। इसके बाद वायरिंग का पाइप फिटिंग का काम होगा, जो पाइपिंग फिटिंग का काम होगा छत में, वो अभी होने वाला है दोस्तों। तो अभी हम दिखा देते हैं कि कैसे हो रहा है पाइपिंग फिटिंग का काम, और ऐसे ही करवाना चाहिए काम, बहुत अच्छा होता है काम। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पहले ये आरजी बॉक्स और बैंड वगैरह जो भी सामान इसमें रखा गया है, और रूम के सामने रखा गया है, गैलरी के सामने रखा गया है और रूम बाय रूम रखा गया है। तो अभी रख करके उसके बाद इसमें मतलब साइड से झीरी काटेंगे जो दीवार फोड़ते हैं, थोड़ा सा फोड़ करके अभी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये दीवार फोड़ करके, और ये जो देख रहे हैं बाल्टी में जो मिट्टी जो घोला हुआ है, ये मिट्टी उतना गीला नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा गीला है। और मिट्टी इसमें जैक्सन बॉक्स और फैन बॉक्स में डालते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका सीमेंट जो है घोला हुआ अंदर नहीं जाता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए पाइप फिटिंग का काम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज भी लग रहा है शाम हो जाएगा, ये देख रहे हैं पाइप फिटिंग का काम हो रहा है दोस्तों। इसमें एंकर का पाइप है MMS, जो HMS होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और MMS थोड़ा लचीला होता है, बढ़िया पाइप होता है ये। तो देख लीजिए दोस्तों, एक रूम में जो भी कनेक्शन है, एक फैन बॉक्स तो कॉन्सील्ड और 4 पॉइंट निकाल देते हैं। मेन में जो भी है कनेक्शन, मेन में 1 इंच का पाइप इसलिए लगाना चाहिए कि वहाँ से फैन बॉक्स से जो भी मेन में करेंट जाता है वहाँ पर 10-12 तार से ऊपर हो जाता है, जो 10-12 कॉइल से ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे मोटा पाइप ही लगाना चाहिए। और दूसरे जगह जितना भी है तो 1.25 इंच में ही काम करना चाहिए, 2 mm 1.25 इंच में। तो HMS तो और बेटर होता है, MMS ये भी बेटर ही है, जल्दी फूटता नहीं है। एंकर का तो यही खासियत है कि पाइप जल्दी इसका मतलब बेंड हो जाएगा तो फिर निकल जाएगा, यानी जैसे पचक जाएगा वैसे उग जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का पाइप होता है इसका। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मौसम साफ़ हो, आज मौसम थोड़ा धुंधला सा है इसलिए ऐसा वीडियो आ रहा है, मौसम साफ़ हो तो बहुत अच्छा वीडियो आता है। देख रहे हैं मौसम धुंधला सा है, तो समय की बेलिहारी है दोस्तों।
दोस्तों रूम बाय रूम पॉइंट निकालना होता है। अगर पहले क्या होता था, वायरिंग में कनेक्टेड बाय कनेक्टेड करते थे, इस रूम से उस रूम में कनेक्ट करके सारे रूम में कनेक्टेड के और एक इंच का पाइप डालते थे। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि अलग अलग रूम का, अगर रूम में पौने इंच का पाइप डाल रहे हैं तो मेन पाइप एक इंच का डालें और एक इंच का डाल करके और मेन कनेक्शन पौने इंच में निकाल दें, क्योंकि उसमें 3 से 4 तार जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देख रहे हैं, जो भी काम करें स्थिर से करें और सही से करें, ताकि जिस पार्टी का ही पैसा लगे और पैसा लगने के बाद ये ना हो कि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ है। बहुत अच्छा से करें। इसमें क्रैंक मारना भी पड़ता है, क्रैंक मार के और बीच में पाइप डालना पड़ता है और ढलाई के वक्त ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं मौसम भी थोड़ा धुंधला सा है, इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रहा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं पाइपिंग फिटिंग का काम हो चुका है, और ये जो आर्च है, जो गलम्बर पे आर्च बनेगा, इसका डिजाइन है, डिजाइन ऊपर से लगेगा और ये 3 बल्ब है, ये बीच वाला बल्ब है जिसमें मेन बल्ब लगेगा और 2 साइड बल्ब है, देख रहे हैं 2 आर्ची लगा हुआ है दोनों साइड से। और ये इसका जो मेन बरामदा है, बरामदा का एक लाइट इधर आएगा, बीच में फैन बॉक्स है, दोनों साइड कॉन्सील्ट है।
देख रहे हैं कितना बढ़िया है वायरिंग हुआ है छत पाइपिंग फिटिंग का, जो लिंटर ढलाई से पहले किया जाता है। ये देख रहे हैं बहुत अच्छा दोस्तों वायरिंग हुआ है। तो हर काम में मेहनत लगता है दोस्तों, हर काम में ही मेहनत है, बिना मेहनत का कोई काम नहीं। ये देख रहे हैं जो इसका जो पॉइंट निकाला हुआ है साइड से, ये रूम है, दो एक रूम में एक फैन बॉक्स, दो कॉन्सीट लाइट और चार पॉइंट निकाला हुआ है ताकि चारों साइड से काम हो सके। ये देख लीजिए, इधर सीढ़ी है और ये पोलिंग का है पाइप, जो मेन पाइप पोल से आएगा, पोल से मेन पाइप आके एमसीबी की पॉइंट, जो एमसीबी बॉक्स लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसे कहते हैं, उसके साइड में गिराया जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे जो बीम होता है ना, बीम जिसमें कंटिलीवर होता है, यहाँ पे देख रहे हैं चार पॉइंट निकाला गया है और ऐसे बेंड करके, ये एंकर का पाइप है, बेंड करके ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पे आरजी बॉक्स हर रूम में पॉइंट निकाला गया है दोस्तों। और ये बीच में जो देख रहे हैं गैलरी है, गैलरी का भी बढ़िया कनेक्शन हुआ है। और ये फैन बॉक्स है और इसका जो पॉइंट निकाला गया है कॉन्सील से, इस साइड देख रहे हैं, और इसमें एक सीढ़ी के लिए पॉइंट निकाला गया है जो ऊपर सीढ़ी पे होगा। और यहाँ पे मेन पॉइंट है जो एक इंच में दिया गया है, यह कॉन्सील बॉक्स है। और इस साइड में एक पॉइंट निकाला गया है, वो भी रूम है। और देख रहे हैं जो बीच में पाइप गया हुआ है, मेन पाइप है जो हर रूम के लिए पॉइंट निकाला जाता है, ये एमसीबी से कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों हर जो मेन पॉइंट डालते हैं ऊपर से पाइप का, जो पाइपिंग फिटिंग का होता है छत में, तो मेन पाइप डालेंगे तो आपका दीवार जो झीरी काटना बच जाएगा। और ये देख रहे हैं साइड में झील है, इस साइड में लेटरिन बाथरूम बनेगा तो नीचे से कनेक्शन जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन होगा। यहीं पे एक इन्वर्टर का पॉइंट लगेगा, यहाँ पे छज्जी है, पार्टी का कहना है यहाँ पे इन्वर्टर पॉइंट देंगे। दोस्तों शाम हो गया है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। प्लीज़ लाइक योर माय चैनल, धन्यवाद।